हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फॉरम ऑफिशियल। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था, इंडियन आर्मी की ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट जो कि आर्मी हेडक्वार्टर 111 सब एरिया में होनी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर LDC की, MTS की, मैसेंजर की, सफाई वाला की और साथ में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई थी, जिसका जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों, ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस जो भर्ती है उसका जो रिक्रूटमेंट का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी रिक्रूटमेंट का जो ऑफलाइन आवेदन पत्र है उसे कैसे फिल करना है, सभी पॉइंट्स के बारे में मैं आपको स्टेप टू स्टेप जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, ताकि आपको डेली जॉब अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 01/2021। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको आपका एड्रेस दिया हुआ जहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन लेटर सेंड करना है। मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ, टू द कर्नल GS हेडक्वार्टर 111 सब एरिया बैंक दुबी मिलिट्री स्टेशन पोस्ट ऑफिस बैंक दुबी डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग स्टेट वेस्ट बंगाल, पिन कोड है 734421। तो दोस्तों, इस एड्रेस पर जो आपका एप्लीकेशन लेटर आपको सेंड करना होगा। दोस्तों, एड्रेस बिल्कुल सही फिल करना है, पिन कोड भी बिल्कुल सही डालना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो एप्लीकेशन लेटर है किसी दूसरी जगह पर चला जाए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, आपकी फोटो रिसेंट होनी चाहिए और दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। दोस्तों, फोटो जो रिसेंट होनी चाहिए यानी कि ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो पहला कॉलम है, यहाँ पर आपकी पोस्ट के बारे में पूछा गया है, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। आप स्टेनोग्राफर के लिए, LDC के लिए, MTS के लिए, सफाई वाला के लिए, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही कॉलम नंबर दो में देखिए दोस्तों, आपका नाम पूछा गया है, इसके बाद आपके फादर या फिर हस्बैंड का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अपना नाम और अपने फादर या फिर हस्बैंड का नाम लिखेंगे। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा फॉर्म है ये आपको इंग्लिश में फिल करना है और दोस्तों कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ ब्लॉक लेटर्स, पूरा जो फॉर्म ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है। अगर आप हिंदी का यूज करते हैं या फिर दोस्तों छोटे वर्ड्स का यूज करते हैं तो आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, DOB यहाँ पर पूछी गई है, तो आपकी जो DOB है बिल्कुल सही यहाँ पर लिखनी है। DOB आपके डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए, DD यानी डेट, MM यानी मंथ और YYY यानी ईयर, कौन सी ईयर में आपका जन्म हुआ था, ये डेट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। इसके बाद आपके आधार कार्ड नंबर, दोस्तों आपका आधार कार्ड नंबर जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आपकी जो DOB है इसका सर्टिफिकेट, आपके आधार कार्ड का सर्टिफिकेट जो है यानी कि इसकी जो फोटो कॉपी वो आपको भेजनी होगी। साथ ही दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपकी जो है आधार कार्ड या फिर कोई और फोटो ID जो आपको भेजना होगा, आपके 10वीं के या फिर 12वीं के या फिर जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको भेजने होंगे। दोस्तों, आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप भेज सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास डोमोसाइल है तो वो भी आप भेज सकते हैं। और दोस्तों, कम से कम दो फोटो जो है आपको भेजनी होगी। साथ ही अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है तो उसे भी आप अटैच कर सकते हैं। और दोस्तों, एक ब्लैंक एनवेलप जो है आपको भेजना होगा और उस पर कम से कम ₹30 की जो स्टाम्प लगानी होगी। तो दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे। अब इसके बाद एक कॉलम नंबर जो 6 है, इसमें आपके मोबाइल नंबर पूछे गए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और मेल ID लिखनी है, मोबाइल नंबर और मेल ID जो एक वैलिड होनी चाहिए ताकि डिपार्टमेंट आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। इसके बाद एक कॉलम नंबर 7 जो ये काफी कंफ्यूजिंग कॉलम है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑफ किन नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि यानी मान लीजिए आपके जो ये नंबर है या फिर ये मेल ID गलत हुई, गलती से आपने गलत फिल कर दी, तो यहाँ पर जो है आपको अपने जो अदर पेरेंट्स के या फिर अदर ब्रदर के या फिर सिस्टर के जो है नंबर डाल सकते हैं ताकि डिपार्टमेंट आपसे कॉन्टैक्ट करता रहे। उनका नाम और दोस्तों उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर डालने होंगे। इसके बाद आपको क्रोस्पॉन्डेंस एड्रेस, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दो कॉलम मिलते हैं, क्रोस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपके पास दो एड्रेस है तो आप दोनों एड्रेस फिल कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों सेम एड्रेस भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद एक कॉलम नंबर 10 जो है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और काफी टिपिकल भी हो सकता है, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन आपने क्या किया है, 10th की है, +2 की है या फिर कोई और डिग्री डिप्लोमा किया है, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे। इसके बाद आपके स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, यानी कि जो डिग्री है आपने कहाँ से हासिल की है उसका नाम, इसके बाद कौन से बोर्ड से हासिल किया है उस बोर्ड का नाम, और टोटल कितने परसेंटेज लिए, ये दोस्तों आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। दोस्तों, इन सभी के जो सर्टिफिकेट्स हैं उसकी फोटो कॉपी भी आपको अटैच करनी होगी। सभी डॉक्यूमेंट जो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और दोस्तों रियल डॉक्यूमेंट जो आपको नहीं भेजने, केवल उनकी फोटोकॉपी जी भेजनी होगी। तो दोस्तों, ये था पहला पेज। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है हम उसको चलते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, सेकंड पेज की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये सेकंड पेज है, कॉलम नंबर 11। यहाँ पर सबसे पहले आपकी कैटेगरी पूछी गई, आप जर्नल या फिर OBC किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसी कैटेगरी पर टिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर आपको नो करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है नो ही करते हैं,
क्योंकि वो उनके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं होता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम जो है आपको मेंशन करना होगा इस जगह पर। इसके बाद देखें यहाँ पर आपकी डिक्लेरेशन दिखी, तो डिक्लेरेशन सिंपली आपको पढ़ लेनी है। यहाँ पर दोस्तों आपके सिग्नेचर होंगे और सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको डेट और पैलेस लिखनी है। ये जो बुक्स है दोस्तों इस पर आपको अपने अंगूठे के सिग्नेचर करने। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको LTR यानी कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन, और अगर आप फीमेल है तो RTI यानी कि राइट हैंड थंब इंप्रेशन जो आपको यहाँ पर करने होंगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता, इसकी जो फीस है वो बिल्कुल जीरो रहेगी, यानी आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी। और इसके बाद देखिए दोस्तों आपको कुछ और डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। ये ऑफिस यूज यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, यानी कि केवल ऑफिस के लिए फिल करना है। अगर आप इसमें यहाँ पर कॉलम में कुछ फिल करते हैं तो आपका जो फॉर्म है पक्का रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस कॉलम को आपको बिल्कुल फिल नहीं करना है। यहाँ पर आपको लाइन खींची गई है और लिखा हुआ है फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, यानी इससे ऊपर का जो हमें फिल करना है, इसके नीचे का जो हमें बिल्कुल भी फिल नहीं करना है। ये जो है केवल ऑफिसर के लिए रिकॉर्ड में होगा, यानी कि ऑफिसर इसे फिल करेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा फॉर्म। आई होप आपको सभी कॉलम्स क्लियर हो गएंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है जिक्र कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।